वसई विरार क्षेत्र में आबादी काफी रफ्तार से बढ़ी है और उसी रफ्तार से बढ़ा है उनके जरूरत से जुड़ी चीजें, फिर चाहे दुकान हो, मॉल हो या अस्पताल। उसी क्रम में आज नाला सुपारा पूर्व अलकापुरी में आकांक्षा शॉपिंग सेंटर में 15 बेड का ग्रीन लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया। हॉस्पिटल के उद्घाटन के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बहुजन विकास आघाड़ी के विधायक क्षितिज ठाकुर, पूर्व महापौर उमेश नाइक, रुपेश जाधव, पूर्व सभापति नीलेश देशमुख, पूर्व नगर सेवक वैभव पाटिल, चंद्रकांत गोरीवले, सचिन देसाई, भूपेंद्र पाटिल व समाज सेवक राजेश पांडे उपस्थित रहे। वहीं युवा विधायक क्षितिज ठाकुर के हाथों रिबिन काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर सिमाब मुशीर ने अस्पताल की जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर सिमाब मुशीर है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस हॉस्पिटल। अपना 15 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट और सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। जब ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे होता है तो सर्जन कहाँ से आते हैं? सर्जन सर हमारे यहाँ से बॉम्बे से भी आते हैं और हमारे नाला सुपारा वसई विरार से हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमारे यहाँ होती है और वो भी बहुत कम चार्जेस में होती है। ये हॉस्पिटल उनके ध्यान रख के ही बनाया गया है, जो गरीब लोग हैं उनका भी अच्छे से इलाज होता है यहाँ पर। चार्जेस क्या होगा, क्योंकि अस्पताल तो यहाँ पे क्षेत्र में कई हैं, उनके चार्जेस कई होंगे, कम हैं, ज़्यादा हैं, आपका क्या एवरेज रहेगा? सर हमारे यहाँ अलकापुरी के माध्यम से इधर कैसा है, थोड़ा मीडियम लोग रहते हैं और थोड़ा गरीब लोग भी रहते हैं, उस हिसाब से चार्जेस हैं। जनरल वार्ड का 2800 रुपये है, टीम शेयरिंग का 3800 रुपये है और ICU का 7500 रुपये है। और हमारे यहाँ वेंटिलेटर, बाईपैप, OT ये सब सुविधा उपलब्ध है। जिन लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस है क्या उनको भी ये सुविधा प्राप्त? यस सर बिल्कुल। कुछ ट्रस्ट के माध्यम से सुविधा वगैरह? सर ट्रस्ट के माध्यम से अभी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी सुविधा हम उन लोग को देंगे। नाला सुपारा से यशवंत भारद्वाज की एक रिपोर्ट।